और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे रस्साकसी आखिर 4 दिन बाद आज खत्म हो गया, क्योंकि भूपेश बघेल कांग्रेस विधायक दल के नेता व मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जहां कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ झूमते नजर आ रहे हैं, तो वहीं भूपेश बघेल का नाम ऐलान होने के बाद सबसे पहले झीरम घाटी हमले को लेकर SIT की गठन की घोषणा की, तो वहीं चुनाव के हर घोषणा को हर हाल में पूरा करने की बात कही है। हम अभी रायपुर कांग्रेस भवन के बाहर खड़े हैं, अभी तुरंत जस्ट कुछ ही मिनटों पहले ही भूपेश बघेल का नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं। रायगढ़ से भी काफी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ रखे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और सभी ढोल नगाड़े से जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को अब नया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से मिल चुका है। देखते हैं अब रायगढ़ और छत्तीसगढ़ का विकास कितना हो पाता है। हम अभी रायपुर स्थित राजीव भवन के बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में लोगों के समर्थक यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। आप देख सकते हैं भूपेश बघेल को सीएम बनने के बाद रायपुर स्थित राजीव भवन के बाहर हो गया है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सारे सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ कांग्रेस के लिए पहुँच चुकी है, सारे न्यूज चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे लोग सारे प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, कार्यकर्ता की आवाज़ को और छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ को कोई उठाया था तो वो भूपेश बघेल जी थे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी और कांग्रेस को बहुमत दिलाया। ये छत्तीसगढ़ की जनता की और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता की जीत है। जो हमारे बीच का आदमी, हमारा आदमी, हमारे बीच का आदमी आज मुख्यमंत्री बना है, मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा और विधायक दल को, KL पुनिया जी को, सारे लोगों को, जो उन्होंने कार्यकर्ता की आवाज़, जो जनता की आवाज़ उठाएगा, आज कार्यकर्ता को दम मिलेगा, जनता को, छत्तीसगढ़ की आम जनता को दम मिलेगा। अधिकारी राज और पूंजीपति राज समाप्त होगा। ये छत्तीसगढ़ की जनता की जीत है, ये छत्तीसगढ़ की वास्तविक आज़ादी है। अब वास्तविकता में छत्तीसगढ़ का आम आदमी आगे बढ़ेगा। आएंगे अभी भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, इस बारे में क्या कहना है आपका? बहुत ही खुशी का बात है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में अत्यधिक विधायक जिता करके भूपेश बघेल जी लाए हैं और उन्हीं का सौगात मुझे मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। छत्तीसगढ़ में निसंदेह अब छत्तीसगढ़ का विकास बहुत तेज गति से जाएगा और भूपेश बघेल जी के बनने से पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है और हम सब रायगढ़ से 5,000 की भीड़ यहाँ रायपुर आए हुए हैं और उनके इस मुख्यमंत्री की घोषणा से सभी हर्षित हैं, सभी खुशी मना रहे हैं। आप बताएंगे आज मुख्यमंत्री जी का नाम फाइनल हुआ भूपेश बघेल जी के, इस बारे में क्या कहना है आप लोगों का? कांग्रेस को अत्यधिक सफलता मिलने के बाद CWC की बैठक में आदरणीय भूपेश बघेल जी का नाम तय हुआ है और उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। ऐतिहासिक निर्णय है, छत्तीसगढ़ की जनता में, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों में भारी उत्साह है और लोगों को आशा है कि भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस और मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ में किए वादों को हम पूरी तरह निभाएंगे, किसानों के जो वादे किए उसको पूरा निभाएंगे, जो बेरोजगारों के लिए जो हमने वादे किए वो पूरा निभाएंगे, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराएंगे और बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा निर्णय है पार्टी का, ये निर्णय सराहनीय है और प्रशंसनीय है। बताएंगे आज मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल क्या कहना है? आज 2013 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी उस समय छत्तीसगढ़ के कांग्रेस खत्म हो गई थी ऐसा लग रहा था, लेकिन 2013 में जब भूपेश बघेल को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद ऐसा लगा कि सर अब छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। भूपेश बघेल जी आदरणीय, पूरे प्रदेश में पद यात्रा किया, किसानों के लिए लड़े, विधानसभा में लड़े, सदन में लड़े, ये आज भूपेश बघेल जी की जीत है, इस कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। बताएंगे अभी CM का नाम फाइनल हुआ भूपेश बघेल जी के बारे में? आज आदरणीय भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री पद की घोषणा करने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। 15 साल तक हम लोग ये दिन देखने के लिए हम लोग को नहीं मिला था, आज मिला है और आप देख रहे हैं कि यहाँ माहौल इतना बढ़िया है, इतना अच्छा लग रहा है और ऊपर वाले कृपा से मुख्यमंत्री घोषणा के साथ साथ ऊपर भी आज मौसम भी कितना सुहाना है और आने वाला समय में भी ये कांग्रेस में रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।